नमस्कार दोस्तों, पिंकीज किचन डॉट ब्लॉग्स डॉट ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्र की एक फेमस रेसिपी जिसका नाम है भेज पराठा। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है, उसमें डालूंगी 1 कप पत्ता गोभी या कैबेज, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 1 कप बारीक कटी हुई गाजर। साथ में मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 2 मीडियम बॉयल आलू, फ्रेश कोरिएंडर, थोड़ी सी अदरक कटी हुई, सी ग्रीन चिल्ली, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, रेड मिर्ची पाउडर, जीरा, सॉल्ट, यहाँ पे साथ ही ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में जाएगा 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1/4 कप बेसन। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने सबको मिक्स कर लिया है, बड़े अच्छे से मिक्स हो गई है, बाइंडिंग अच्छे से आ गया है। यहाँ पे हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, तेल लगा लिया यहाँ पे, बाइंडिंग को उठाएंगे और इसको ओवन शेप देंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, बट महाराष्ट्र में ये ओवन शेप में ही मिलती है और वहाँ के हर रेस्टोरेंट में ये सब्जी अवेलेबल रहता है और बहुत कॉस्टली मिलता है। यहाँ पे मैंने सारा बना लिया है बॉल, हम इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में ऐसे कोटिंग कर दूंगी। मैं जब भी कोफ्ता या कुछ भी बनाती हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे तेल गर्म हो गई है, हम एक एक करके यहाँ पे कोफ्ते को डालेंगे। मैंने यहाँ पे तेल ज़्यादा नहीं डाला है, इसलिए मैं तीन तीन करके ही फ्राई करूँगी। देखिए हमारे जब तक कोफ्ते मुझे जो छोड़ ना दे तब तक इसको पलटते नहीं तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। देखिए हमारे कोफ्ते पे कितनी अच्छी कलर आ रही है, जिससे फ्राई कर लिया मैंने, तो मैं इसे निकाल लूंगी। देख सकते हैं कितनी अच्छी, इसी कलर गोल्डन कलर का फ्राई करना है। अब एक एक करके ग्रेवी बनाने के लिए हम पहले के मिक्सी जार, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल, 1 टेबल स्पून सूखा नारियल, ये दोनों इसमें बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसके बिना ये सब्जी नहीं बनती है। साथ में जाएगी यहाँ पे मैंने जो ऑनियन, 2 ऑनियन को मैंने चॉप करके फ्राई कर लिया था, साथ में 7 गार्लिक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और एक गोड़ा मसाला होता है जो महाराष्ट्र में मिलता है, तो मेरे पास नहीं, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी चिकन मसाला उसकी जगह पे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और सभी को हम पेस्ट बना लें। अब यहाँ पे कढ़ाई में ले लिए 2 चम्मच तेल बड़े चम्मच से, उसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटी चम्मच जीरा, यहाँ पर मैं जीरा ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच। और अब हम इस जीरा को चटकने देंगे अच्छी तरह से। फिर
अब यहाँ पे हमारी जीरा और ये सब चटक गया, तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिल्ली जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और इसे भी अच्छे से पकने देंगे। फ़ौरन जितना अच्छे से पकता है सब्जी का स्वाद उतना ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे 4 मैंने लहसुन की कली ली थी, इसे भी मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर लिया है। अब सबको अच्छी तरह से पकने देते हैं, जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तब हम ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे हम 2 बारीक ऑनियन चॉप कर लिया था उसे मैं ऐड कर रही हूँ, और अब इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा, तो इसे यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। 5 से 6 कड़ी पत्ता को मैंने कट कर लिया था। कड़ी पत्ता इसमें ज़रूर डालें, और नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक पेस्ट डालने के बाद इसे मैं 5 मिनट तक भून ली हूँ। अब इसमें सूखी मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है मैंने 2 टेबल स्पून, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, तीखी वाली मिर्ची और रेड मिर्ची। के बाद ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्च जिससे सब्जी की कलर अच्छी आती है, तो इसे भी मैंने 2 छोटी चम्मच ऐड कर लिया है। साथ में मैंने डाला है यहाँ पे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, इस थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए, तो इसे भी मैंने ऐड कर लिया। अब सबको अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए और जले भी नहीं। मैंने अब 5 मिनट के बाद मैंने जो पेस्ट बनाया था भुना हुआ प्याज का वो भी इसमें ऐड कर ली हूँ। अब इसे भी मसाले में हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि हमारे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे भी हम ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट बाद इसे में हम टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को चॉप कर लिया था, और साथ में ही मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दूंगी ताकि हमारी टमाटर अच्छे से गल जाए और मसालों से तेल बाहर हो जाए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, और देखिए 5 मिनट बाद मसालों से तेल अलग हो गया है, तो यहाँ पे हम पानी ऐड कर लेंगे, और पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी डाला है, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं मिक्स कर ली सबको अच्छे से। मिक्स करके हम 2 मिनट और पका लिए। फिर इसमें ऐड कर रहे हैं केचप, टोमेटो केचप। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी चम्मच ऐड किया है, इससे ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आता है, और इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। ऐड करूँगी यहाँ पे काजू का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था। 10 से 12 काजू को मैंने फाइन पेस्ट बना लिया था जार, मिक्सी जार में डालकर। तो ये दोनों डालने से क्या होता है कि जो हमारी ग्रेवी होती है उसकी बैलेंस बनी रहती है। और यहाँ पे थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ मैं। पानी आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं जितना आपको ग्रेवी रखनी है। और साथ में यहाँ पे मैंने क्रीम ऐड किया है, मार्केट का जो फेस क्रीम आता है फ्रेश क्रीम, उसे मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच ऐड किया है। अगर आपके पास मार्केट वाली क्रीम ना हो तो आप घर पे जो मलाई होता है वो भी आप ऐड कर सकती हैं। क्रीम डालने से ग्रेवी का जो स्ट्रक्चर आता है वो क्रीमी क्रीमनेस लाता है, इसीलिए हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमारी ग्रेवी अच्छे से बॉयल हो गई है, तो हम अपने कोफ्तों के इसमें ऐड कर लेते हैं। सभी कोफ्तों के इसमें ऐड कर रहे हैं। देखिए कसूरी मेथी, मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती ली है, इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम अपनी सब्जी को मिक्स कर लिए, मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद इसे ढककर हम लो फ्लेम पे 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। 8 मिनट के बाद देखिए मेरी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, और देख सकते हैं कितनी अच्छी कलर आई है। और सब्जी कुक होने के बाद हम इसे हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि हमारी कोफ्ता टूटे ना। सब्जी बन के रेडी हो गई है, अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है, आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। और मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।